महम चौबसी के चबूतरे पर रैली स्थल को संबोधित करने पहुंचे हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला ने अरविंद केजरीवाल के ट्वीट, कांग्रेस जेजेपी व आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीट जीत सकते हैं। इस ट्वीट पर दुष्यंत का इनकार, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे और चौधरी देवीलाल की नीतियों का अनुसरण करेंगे। सांसद दुष्यंत ने कहा कि 1971 में जननायक चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस को अलविदा कहा था और हम भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चलेंगे। और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर सांसद चौटाला ने कहा कि कमेटी बना रखी है, कमेटी ने 15 दिन का समय लिया है, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। हमारी पार्टी का मुकाबला सिटिंग सांसद 3 बार बने हैं, मैं मानता हूं कि उन्हीं के साथ मुकाबला होगा। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम 10 लोकसभा सीट पर अपने मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे और सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथ से अपने उम्मीदवारों को जिताने का काम करें। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज बीजेपी सरकार ने पिछले चुनाव में जनता को कहा कि 15-15 लाख खाते में आएंगे और बेरोजगारी को रोजगार देंगे, किसानों को फसलों का उचित मूल्य देंगे, ये बातें कहकर जनता से वोटों का हथियाने का काम किया, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। महम से K9 मीडिया के लिए जैन मोहम्मद की रिपोर्ट। जैसे विंग कमांडर अभिनंदन ने जाके बम नहीं फोड़े, नरेंद्र मोदी ने जाकर बम फोड़ने का काम किया। बुजुर्गो युवा साथियों, हमें गर्व है हरियाणा की इस धरती पर भारतीय सेना का हर 10वां जवान इस धरती से जाता है। हमें गर्व है हमारी उन माताओं पर, बहनों पर, जिनका स्वाग, जिनका बेटा इस देश की सुरक्षा के लिए आज बॉर्डर पर तनकर खड़ा है। हमें गर्व है हमारी वायु सेना पर, जिसने कड़ा जवाब देने का काम किया। पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी बंटवारा करने की शुरुआत पर पिछले चुनावों में कहा गया कि जाट नॉन जाट की बात, मेयर का चुनाव आया हिसार में तो कह दिया बढ़िया नॉन बढ़िया, करनाल में कह दिया पंजाबी नॉन पंजाबी, और अब यह हालात कर दी कि कोई मोदी को कहे तो वो राष्ट्रवादी, और अगर मोदी से ये बात कहे कि वो तो एयरफोर्स ने किया था, मोदी ने नहीं किया, तो वो देशद्रोही। बुजुर्गो युवा साथियों, इसको समझ मीडिया अब आपके लिए लेके आया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद फुली वायरलेस सिस्टम, जिसके द्वारा आप अपने किसी भी प्रोग्राम को लाइव कर सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक रैली, जलसा, जागरण और स्पोर्ट्स इवेंट।